नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं आकांक्षा यादव। प्रयागराज की दक्षिण विधानसभा सीट एक वीआईपी सीट के तौर पर जानी जाती रही है। इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का कब्जा रहा तो बाद में भाजपा का गढ़ बन गया। इस सीट पर पहली बार 1989 में भारतीय जनता पार्टी के केसरी नाथ त्रिपाठी ने कांग्रेस के सतीश चंद्र जायसवाल को 7,532 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। 1989 से बीजेपी की विजय पताका शुरू हुई जो 2007 तक जारी रही। केसरीनाथ त्रिपाठी लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीते, लेकिन 6ठी बार नंदी ने उन्हें पराजित कर दिया था। इस विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। इसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र में केसरीनाथ त्रिपाठी की एक मजबूत पकड़ थी, जिसके चलते हुए यहां से 5 बार लगातार निर्वाचित हुए। वर्ष 2017 में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस बार नंद गोपाल गुप्ता ने बसपा से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी के परवेज अहमद को 28,587 वोटों से हराया था। शहर दक्षिणी के चुनाव पर एक नज़र। जी हाँ, शहर दक्षिणी से लगातार 3 वर्ष कल्याण चंद मोहले चुने गए थे। इसमें 2 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और 1 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रहे। 1969 में भारतीय जनसंघ से राम गोपाल संत चुने गए। 1974 में सत्य प्रकाश मालवीय भारतीय क्रांति दल एवं 1977 में जनता पार्टी से चुने गए। 1980 और 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से सतीश चंद जायसवाल का कब्जा रहा। इसके बाद लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी से केसरीनाथ त्रिपाठी 1989, 1991, 1993, 1996 एवं 2002 तक चुने गए। 1991 में दोबारा केसरीनाथ त्रिपाठी ने जनता दल प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। 1993 में उन्होंने सपा के अब्दुल नासिर खान को हराया। 1996 में सपा के हरिओम साहू को हराया। 2002 में केसरीनाथ त्रिपाठी ने 5वीं बार जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के श्यामा चंद गुप्ता को 2,075 मतों से हराया। 2007 में केसरीनाथ त्रिपाठी 6वीं बार विधायक के तौर पर जीत नहीं दर्ज कर सके। बसपा प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता ने केसरीनाथ त्रिपाठी को हराकर जीत दर्ज की। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाजी परवेज अहमद ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के नंद गोपाल नंदी को 414 मतों के मामूली अंतर से हराया। 2017 में नंदी बसपा छोड़ भाजपा से चुनाव लड़े और 93,011 मत पाकर विधायक चुने गए, जबकि सपा से हाजी परवेज 64,424 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। जनसंख्या एवं जातीय समीकरण की ओर रुख करें तो प्रयागराज के दक्षिण विधानसभा सीट में मुस्लिम, वैश्य और ब्राह्मण समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो किसी पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस सीट पर 1974 में जहां 116,271 मतदाता थे, वहीं 2017 में कुल 391,693 मतदाता हो गए, जबकि 2022 की गणना में हम बात करें तो 10,942 मतदाताओं की संख्या बढ़ी और कुल 402,635 मतदाता हो गए।